नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीएससी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका। हाल ही में बाबा रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वीडियो में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को मूर्खतापूर्ण विज्ञान बताया। स्वामी रामदेव ने कहा था कि एलोपैथी दवाएं खाने से लाखों लोगों की मौत हुई है, डॉक्टर भी अपनी जान बचा नहीं पाए। उनके इस बयान के बाद ही देश भर के डॉक्टरों में रोष बढ़ गया और इसी के साथ ही बाबा रामदेव का एक और विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। इस वीडियो में वह कहते नजर आ रही है कि किसी के बाप में इतना दम नहीं जो बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर सके। रामदेव कहते हैं कि उन्हें बदनाम करने के लिए तरह तरह की ट्रेंड सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है, लेकिन इस तरह की किसी घटना से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाबा रामदेव के दिए हुए इसी बयान को लेकर हमने बात की दाना शिवम हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील कुमार से। उनका क्या कहना है इस पूरे विवादित बयान को लेकर, आइए जानते हैं। एलोपैथी जो पद्धति का उदय हुआ है ना, वो बेसिकली जो जड़ी बूटियां हैं उन्हीं से हुआ है, जिनको हम आयुर्वेद मानते हैं। कि पहली बार जड़ी क्यूनीन है, मलेरिया में काम आती है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि हमें लग गया कि ये दवाई इस बीमारी में काम आ रही है। उन्होंने उसको स्टडी किया कि दवाई दिए बिना कितने लोग ठीक होते हैं और दवाई लिए बिना कितने लोग ठीक होते हैं। तो उसमें जिसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिला या जो सही डिफरेंस है वो मिला, उसी दवाई को पास किया गया कि ये दवाई यूज़ की जाएगी, बाकी नहीं यूज़ की जाएंगी। तो ये एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है कि इसका एविडेंस है कि ये सही कर रही है, इसलिए ये यूज़ हो रही है। तो एलोपैथी जो है ये बिल्कुल प्रूव्ड है और प्रॉपर ट्रायल के बाद में, ट्रायल भी फेजेज में ट्रायल होते हैं। फर्स्ट फेज में ट्रायल होती है, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद में मार्केट आती है और फोर्थ फेज की ट्रायल भी होती हैं, जिसके कारण इसका बेनिफिट जो है वो सुनिश्चित किए जाते हैं, उसके बाद ही दवाई मार्केट में आती है। तो इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है एलोपैथिक दवाइयों से इलाज होता है? एलोपैथिक दवाइयों से इलाज होता है और बहुत सारी जान बचाने में एलोपैथी दवाई बहुत ही फ़ायदेमंद हुई हैं। आप देखोगे तो जो 19वीं सदी है उससे पहले जो है वो हर सदी में जनसंख्या दो गुना बढ़ती थी, और जो 20वीं सदी है इसमें जनसंख्या 10 गुना बढ़ी है। वो सिर्फ ये एलोपैथी की दवाइयाँ या जो एलोपैथी जो ट्रीटमेंट करने की विधि है डेवलप होने के बाद में ही ये सब शुरू हुआ है। तो उनका कहना है कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, बहुत बड़ी महामारी चल रही है, तो जो एलोपैथिक के लिए वो सवाल उठा रहे हैं कि इससे कोई इलाज नहीं हो रहा, सिर्फ कोरोना के नाम से एलोपैथिक के जो डॉक्टर हैं वो दुनिया को लूट रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इसमें एक जो कोई भी बीमारी होती है तो उसके कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये बीमारी करता कौन है, ये बीमारी की पैथोलॉजी क्या होती है और ये बीमारी ठीक कैसे हो सकती है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या क्या चाहिए इस बीमारी में। तो ये बीमारी वायरस करता है, एलोपैथी ने बताया। ये बीमारी के अंदर पैथोलॉजी इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया होता है, एलोपैथी ने बताया। वायरल है, एंटीवायरल मेडिसिन जो पहले से इतना ज़्यादा इसके अंदर अगेंस्ट रिसर्च नहीं थी, लेकिन जो भी पॉसिबल एंटीवायरल इफेक्ट कर सकती हैं, इस सबको यूज़ करके देखा गया है। किसी का डाउटफुल, किसी का मार्जिनल बेनिफिट मिला है, और जो गाइडलाइन गवर्नमेंट हैं या इंस्टीट्यूशंस ने जो डिसाइड की हैं उसी गाइडलाइन के हिसाब से एलोपैथिक डॉक्टर्स ने इलाज किया है। इसके अलावा पैथोलॉजी की जहाँ तक बात है, अगर पेशेंट बीमार होता है तो उसको कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे ऑक्सीजन है, आईवी फ्लूड है, अगर पेशेंट खा नहीं रहा तो आईवी फ्लूड की जरूरत पड़ सकती है, तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ये भी बेसिकली, हालांकि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है इन चीज़ों को, ये एलोपैथी से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये भी एलोपैथी ने बताया कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं ताकि सेचुरेशन आपका मेंटेन रहे। और इसमें बाबा जी कह रहे हैं कि सिलेंडर आपके अंदर हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो आपके लंग्स हैं ये कई सिलेंडर्स के बराबर हैं, बट इसकी पैथोलॉजी बाबा जी के समझ में ही नहीं आई। ये इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया है, जहाँ ऑक्सीजन, जहाँ एक्सचेंज होनी चाहिए ब्लड के साथ, उस हिस्से को ये वायरस जो है सूजन करता है वहाँ पर और एक्सचेंज को बाधित करता है। तो वो एक्सचेंज नहीं होगा तो आपके पास चाहे कितने ऑक्सीजन सिलेंडर हों शरीर के अंदर, काम नहीं आएंगे। ये फेफड़े के रास्ते की बीमारी नहीं है, अनुलोम विलोम कुछ बीमारियां ठीक करते होंगे, लेकिन ये इस बीमारी में सहायक नहीं है। तो उन्होंने, रामदेव जी ने एक क्वेश्चन और उठाया है कि जो जितनी भी मौतें हुई हैं इंडिया में, कि एलोपैथिक जो दवाइयां जिन लोगों ने खाई है उनसे ज़्यादा मौतें हुई हैं बजाय ऑक्सीजन के। नहीं नहीं है, ये तो सही नहीं है, बाबा जी सरासर झूठे हैं। ना तो बाबा जी को एविडेंस का पता है, बाबा जी को ये भी नहीं पता कितने डॉक्टर मरे हैं और ना ये पता कितने लोग मरे हैं, किसी को भी नहीं पता।
लेकिन ये कुछ तो जैसे हमने देखा है ट्रायल के रिजल्ट, हो सकता है इतना बेनिफिट नहीं दिखाएं, लेकिन काफ़ी सारे पेशेंट बहुत ज़्यादा स्कोर होने के बाद में, वेंटिलेटर लगने के बाद में भी निकल के गए हैं घर पे। तो अब ये जो बीमारी है वायरस की बीमारी है, वायरस की बीमारी जैसे कॉमन कोल्ड भी होती है, अधिकतर खुद ही ठीक होती हैं। अब उसमें वायरस की बीमारी के टाइम में अगर आदमी को सपोर्ट की ज़रूरत है, वो आपको दे दी और आदमी निकल के आ गया, तो वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट का फ़ायदा हुआ है ना। अगर उस वक्त वो सपोर्ट नहीं मिलता तो पेशेंट नहीं बचता। मतलब आप कह रहे हो कि एलोपैथिक दवाई से फ़ायदा तो होता है, तो ऐसी कौन सी 5 बीमारी है जिनकी जड़ से ख़त्म की जा सकती है एलोपैथिक दवाएँ देके? देखो बीमारी जड़ से जो ख़त्म होती हैं ना, वो तो कॉमनली होती हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, जो इन्फेक्शन के कारण होती है, और कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़, ये तो नया इन्फेक्शन है, इसकी एंटीवायरल की अभी स्टडी चल रही है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो जड़ से ख़त्म की जा सकती है एलोपैथी के द्वारा। उसके अलावा जो भी एलोपैथी में इलाज होते हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ का इलाज होता है, बाबा जी के जो इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं छोटे बाबा जी, वो भी एलोपैथी का इलाज ले चुके हैं, जब उनको अटैक पड़ा था जान बचाने के लिए वो एलोपैथी हॉस्पिटल ही भागे थे, जो तो जान बची हैं। हार्ट अटैक में जान बचाने का मतलब, जैसे एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं, चाहे उसमें थ्रोम्बोलाइटिक हो, उसके बाद में चाहे स्टेंट वगैरह हो, सब कुछ हो, ये एक चमत्कार है। और धीरे धीरे उसमें जो डिजोल्विंग स्टेंट की स्टडीज़ चल रही हैं, जिसमें ब्लॉक आर्टरी खोली जाएगी और उसके बाद में वो कुछ सालों बाद में बिल्कुल पुरानी आर्टरी की तरह से हो जाएगी, क्योंकि स्टेंट डिजोल्व हो जाएगा, तो वो भी एक बड़ा चमत्कार होगा। रामदेव जी ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि एलोपैथिक दवाइयों से कोई भी बंदा ठीक नहीं हो सकता, ना ही जड़ से ख़त्म हो सकती, बट कि उनकी जो बीमारी होती है उसको दबाया जाता है एलोपैथिक दवाइयों से, तो ये क्या बात सही है? नहीं, किसी बीमारी को नहीं दबाया जाता। देखो डायबिटीज़ की जहाँ तक आप एक एग्जांपल मानो, डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन की कमी होती है आदमी के शरीर के अंदर, या इंसुलिन पूरा होते हुए भी आदमी का शरीर पूरा रिस्पोंड नहीं करता इंसुलिन के प्रति। अब इसमें क्या, अगर कुछ मेडिसिंस भी हैं जिनसे वो कंट्रोल होती है, अब मेडिसिन का इफेक्ट अगर 24 घंटे रहता है तो 24 घंटे बाद में आपको दवाई देनी पड़ेगी। इंसुलिन का भी एक इफेक्ट होता है, बॉडी में लगातार सीक्रेट होता है। मेरे भी बहुत सारे आयुर्वेदिक दोस्त हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक और एलोपैथी इतने अलग नहीं हैं, बाबा जी आयुर्वेदाचार्य भी नहीं है, बाबा जी सिर्फ योग गुरु हैं, आयुर्वेदाचार्य, बाबा जी को आयुर्वेद का आई नहीं पता है, बाबा जी ने को जो द्रव्य विज्ञान होता है वो द्रव्य विज्ञान का बाबा जी ने कभी जिक्र नहीं किया अपने लेक्चर में, क्योंकि आयुर्वेद में आपको अगर आयुर्वेदिक दवाई को समझना है तो आपको द्रव्य विज्ञान को समझना पड़ेगा, तो बाबा जी ने द्रव्य विज्ञान कभी पढ़ा ही नहीं। इसलिए ये जो कुछ चीज़ों में है, अगर जो रोज़ाना सीक्रेट होने चाहिए और ज़रूरत होती है तो उसका आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो। मैंने बताया कि जैसे कि पहले की इन्फेक्शियस डिजीज़ कम्प्लीटली ठीक हो सकती हैं, और बाकी और जो बीमारियां हैं जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जैसे कुछ लीवर के जैसे बीमारी आती है, जॉन्डिस होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, उस वक्त पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिल गया तो लीवर में सेल्फ रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है कि लीवर धीरे धीरे ठीक हो जाता है, जैसे जॉन्डिस वाला है। तो आप कह रहे हो कि जैसे लीवर ठीक होता है, जबकि बाबा रामदेव जी का मानना है कि ये एलोपैथिक जो दवाएं से लीवर ख़राब होती है, इसका साइड इफेक्ट होता है? नहीं देखो, वो तो किसी भी दवाई से हो सकता है भाई, कोई दवाई लीवर पे असर डालती है, किडनी पे असर डालती है, एलोपैथी को तो कम से कम पता है कि ये दवाई लीवर पे असर डालेगी, ये दवाई किडनी पे असर डालेगी, आपको मॉनिटरिंग रखनी है, असर आने से पहले इसको रोक देना है या इसका डोज मॉडिफाई करना है। जे कोरोना का टाइम है, पहले चिकनगुनिया भी था, काफ़ी सारे दोस्त जो हैं हमारे आयुर्वेदाचार्य भी हैं, जानकार भी हैं, वो कह रहे हैं कि साहब कुछ भी दिक्कत होती है गिलोय पीना शुरू करते हैं। हमने भी अपोज नहीं किया, हम भी विश्वास करते हैं भाई गिलोय जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब मेरे जानकारों में, मैंने अभी बाबा जी के इस विवाद के बाद में मैंने देखा कि गिलोय पीने वालों में मतलब लगभग 10% लोगों में, किसी ने मेरे को कहा कि यार गिलोय पीने के बाद में मेरे को नींद आनी बंद हो गई, किसी ने कहा कि मेरे को उल्टी आती है, किसी ने कहा मेरे को उल्टी आनी जैसा महसूस होता है, किसी ने कहा भूख मर गई है, तो ये साइड इफेक्ट ही है। अब आयुर्वेद का दुर्भाग्य यही है कि आयुर्वेद 5000 साल पहले हमारे पूर्वज रिसर्च करके बना के चले गए जो मेडिसिन को, उसी की कुछ दवाइयों को लेके एलोपैथी ग्रो हुई है, उसका हम प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, हम प्रॉपर रिसर्च करते ही नहीं, हम कहते हैं सर साइड इफेक्ट, अरे साइड इफेक्ट तो खाने का भी है, आप खाना खा लो ना ज़्यादा, आपको जैसे डकारें वकारें आएंगी, साइड इफेक्ट किसी भी चीज़ का नहीं हो नहीं सकता, साइड इफेक्ट है, आप प्रॉपर ये रिपोर्ट ही नहीं करते। इसका मतलब ये जो अगर ट्रायल की बात भी करते हैं ना तो ये झूठी करते हैं, क्योंकि ये साइड इफेक्ट रिपोर्ट ही नहीं करते। एलोपैथी में अगर किसी पेशेंट को अगर नोजिया भी लगता है तो रिपोर्ट होता है कि भाई हमने 10 पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया और एक पेशेंट को नोजिया हुआ था,
तो साइड इफेक्ट रिपोर्टेड है एलोपैथी में, आयुर्वेद में दबाए हुए हैं। इसका मतलब साइड इफेक्ट होता नहीं है, अगर कुछ होता है तो वो सभी में होता है, चाहे आयुर्वेद पद्धति हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे किसी भी पद्धति हो, साइड इफेक्ट तो पानी का भी हो सकता है। सर हमारे जो पतंजलि के जो चेयरमैन हैं आचार्य बालकृष्ण जी ने, उन्होंने दावा किया है कि जो एलोपैथी के जो डॉक्टर हैं वो ड्रग्स माफिया हैं बाबा जी के, और पास वो ड्रग्स के व्यापार करते हैं, तो क्या ये बात सही है या गलत है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ चीज़ है, क्योंकि देखो ऐसा है, मैं तो हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी हूँ, मालिक भी हूँ, ड्रग्स माफियागिरी कैसे होती है मुझे नहीं पता, क्योंकि ड्रग्स की जो कॉस्ट है गवर्नमेंट कॉस्ट डिसाइड करती है, कंपनी बनाती है, गवर्नमेंट कॉस्ट डिसाइड करती है, तो डॉक्टर का ड्रग्स की कॉस्ट डिसाइड करने में क्या रिलेशन, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। तो ये तो बाबा जी झूठ बोल रहे हैं, बाबा जी के पास कौन सी रिसर्च एजेंसी है जो बाबा जी के अधीन है, बाबा जी उसको क्लियर करें क्या एविडेंस है, और ये तो झूठ। बाबा जी को खुद पढ़ा, खुद अटेक पढ़ा, खुद एलोपैथी का इलाज लेके आए, एलोपैथी ने उनकी जान बचाई, और वो भी इस यंग एज में हम एलोपैथी भी सोचते हैं कि यंग एज में अटैक नहीं पड़ना चाहिए। माफिया का तो अब पता चलेगा कि माफिया कौन है, जो आदमी प्रचार करता है कि हमारे पास हार्ट बीमारी का ये इलाज है, उस आदमी को एवरेज एज से पहले अटैक पड़ जाता है। अब वो कौन सा माफिया है वो आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा माफिया तो वो है जिसके पास खुद का इलाज नहीं है और वो सेम इलाज दूसरों को बांट रहा है। अब वो क्या बांट रहा है, भूसा बांट रहा है कि पता नहीं मिट्टी बांट रहा है कि क्या बांट रहा है? तो सर उन्होंने एक बालकृष्ण जी ने एक और दावा किया है कि जो ये IMA के अध्यक्ष और एलोपैथी के डॉक्टर ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो सर ये क्या लॉजिक है? नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है। IMA के अध्यक्ष के मेरे को रिलीजन पता भी नहीं है, और हम एलोपैथी में इस चक्कर में नहीं पड़ते। अगर किसी इक्के दुक्के डॉक्टर ने, एलोपैथी के डॉक्टर ने किसी अपने सेंटर पर अगर ये बयान दे दिया हो, तो वो IMA का बयान नहीं है, वो इंडिविजुअल डॉक्टर का बयान है। और ये फालतू में ही एक छोटी सी बात को, मतलब एक छोटे से कंकर को पहाड़ बनाने के बराबर है। अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट केस करे। भाई ये चीज़, जब आदमी बीमार होता है, कोई हो सकता है क्रिश्चियन डॉक्टर ने किसी सभा में बोल दिया हो, बट ये IMA का एंडोर्समेंट नहीं है, IMA उसको नहीं मानती कि साहब ये हमारी तरफ से है, IMA की तरफ से नहीं। और बालकृष्ण आचार्य जो पतंजलि चेयरमैन ने, उन्होंने ये भी कहा है कि एलोपैथी के डॉक्टर दिवालिया हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, दिवालिया होने की दो तीन निशानियाँ होती हैं, मतलब आपको अपनी पद्धति का ज्ञान है कि नहीं है। अगर आपको अपनी पद्धति का ज्ञान ही नहीं है, जैसे बाबा जी ने योग करवाए, बालकृष्ण जी को शायद योग भी नहीं आते, फिर भी वो हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं, उनको जब जरूरत पड़ती है तो एलोपैथी तरीके से इलाज लेते हैं, तो सबसे बड़ी दिवालिया तो वो है ना, उनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उनको आयुर्वेद का आ पता नहीं है, योगा का यो पता नहीं है, एलोपैथी का ए पता नहीं है, लेकिन वो किसी के बारे में कुछ भी कमेंट कर देते हैं, तो सबसे बड़ी दिवालिया तो वो है। आयुर्वेद एलोपैथी का डॉक्टर 4.5 साल MBBS की पढ़ाई करता है, 1 साल इंटर्नशिप करता है, उसके बाद में 3 साल PG करता है, उसके बाद में कई साल, लगभग 10 साल प्रैक्टिस करता है, या आगे की SR करता है, DM करता है, उसके बाद में किसी तरह का बयान देने के लायक वो अपने आप को समझता है और बयान देता है। और बालकृष्ण जी को तो कुछ भी नहीं पता, वो सबकी तो दिवालिया कौन हुई आपके सामने ही है, कौन दिवालिया है? तो आप जैसे रामदेव जी ने और आचार्य बालकृष्ण ने जो कमेंट करे हैं, जो सवाल उठाए हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन पर मुकदमा दर्ज होकर इनको गिरफ्तार किया जाए? नहीं, देखो मुकदमा दर्ज होना, ये डेफिनेटली मैं अब बयान दे रहा हूँ ये, लेकिन ये मुकदमा दर्ज IMA ने कर चुके ऑलरेडी। अब गिरफ्तार तो बाबा जी ने, जिस हिसाब से ये जो एपिडेमिक के टाइम में जो जिसको अपन बोल देंगे कि अफवाह फैलाने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें मौत के अलावा कुछ ही नहीं है, अगर अफवाह फैलाने की कोशिश की है, इसमें अगर कुछ भी मौतें अगर एक्स्ट्रा होती हैं, तो बाबा जी रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए और बाबा जी के अगेंस्ट केस होना चाहिए। और इसके अलावा जो बाबा जी ने वैक्सीन के लिए भी बोला है, वैक्सीन जो चीज़ है, कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं हो सकती, लेकिन अगर एक वैक्सीन 70% लोगों को बचा सकती है इन्फेक्शन होने से, बाकी लोगों को बहुत सीरियस इन्फेक्शन होने से बचा सकती है, तो वो इफेक्टिव है ना, हम एक पे नहीं जा सकते। अब वो यही करते हैं बाबा जी, 100 का इलाज करते हैं, 10 ठीक हो गए तो बाबा जी 10 को पकड़ के लाते हैं। एलोपैथी में 100 का इलाज किया, 90 ठीक हो गए तो बाबा जी बाकी 10 को पकड़ के लाते हैं। तो बाबा जी तो दावा कर रहे हैं ना कि 90% आयुर्वेद से ठीक हो रहे हैं, सिर्फ 10% है जो एलोपैथिक से ठीक हो रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहोगे फिर? नहीं देखो, आयुर्वेद
वाली चीज़ तो है ना, आयुर्वेद को तो एक्सप्लोर ही कहाँ किया है। जिस आदमी को आयुर्वेद का आ नहीं आता वो आदमी आयुर्वेद के बारे में बोल रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। क्योंकि भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, उनको सामने आना चाहिए। बाबा जी के पास कोई रिसर्च एजेंसी नहीं है, बाबा जी तो झूठ बोलने के सिवा कोई काम ही नहीं करते। तो बाबा जी ने ये भी बात बोली है कि एलोपैथी के बाप की भी औकात नहीं है जो मुझे गिरफ्तार कर सके, तो इस सवाल पे इन्होंने जो कहा इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? भाई बाबा जी ने जो कहा है वो तो, अब बाबा जी ने जो किया है वो तो गिरफ्तार होने लायक स्थिति है और होने चाहिए। बाकी अभी फिलहाल बाप तो मोदी जी हैं, करें नहीं करें वो उनकी मर्जी है। डॉक्टर सुनील कुमार का कहना है कोरोना महामारी जैसी भयावह स्थिति में जहां होम्योपैथी और एलोपैथी को मिलकर काम करना चाहिए, वहीं बाबा रामदेव का ऐसा बयान आना काफी चिंता का विषय है। अब ये तो साफ हो गया है कि रामदेव बाबा द्वारा दिए गए बयान से जो मामला शुरू हुआ उसने तुल पकड़ लिया है। अब आगे इस पर सरकार, IMA और बाबा रामदेव क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।